हेलो दोस्तों, अभी आप लोग न्यूज़पेपर देख रहे होंगे, टेलीविज़न देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, हर जगह एक ही शब्द सुनाई दे रहा होगा कि चीनी सामानों का बहिष्कार कीजिए। कई जगह आपको देखा होगा कि टीवी जलाए जा रहे हैं, स्मार्टफोन फोड़े जा रहे हैं। इस बारे में मैं कुछ आंकड़े दूंगा आपको, इसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हम लोग बहिष्कार कर सकते हैं, क्या सक्सेस हो सकता है चीनी सामानों को बहिष्कार। सबसे पहले आपको बता दें कि मैप्स में कहाँ ये अपनी मतलब अभी जो झड़प हुई है, हमारे 20 सैनिक जवान शहीद हुए हैं, वो कहाँ हुई है? ये आपका चीन है, इसकी राजधानी बीजिंग है, ये है यहाँ, ठीक है, ये आपका भारत हो गया। यहाँ ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है, लद्दाख का, ठीक है, अक्साई चीन, यहीं झड़प हुई है। जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर था, इसमें आपका लद्दाख, यहाँ अक्साई चीन। लेकिन आपको पता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अब जो अक्साई चीन का हिस्सा पड़ता है लद्दाख में पड़ता है यहाँ, ठीक। नेपाल से हमारे बुरे रिश्ते चल ही रहे हैं, अफगानिस्तान से चल ही रहे हैं, और पाकिस्तान से लगभग चल ही रहे हैं। अफगानिस्तान से कोई खास अच्छे रिश्ते नहीं है हमारे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जैसे ही अमेरिका ने हटने की कोशिश की, चाइना ने एंट्री दे दी। तो एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि बहिष्कार का ये मतलब मत निकालिएगा कि जो अभी आपके हाथ में फोन है, टीवी है आपके घर में, इसको फोड़ें, क्योंकि जो सामान आपके देश में आ चुका है उसकी कीमत आप चुका चुके हैं, और अगर आप इसे तोड़ फोड़ करते हैं तो इसकी हानि आपको ही होगी। और ये भावनात्मक रूप से आप समझ सकते हैं कि आपकी गुस्सा है, अभी हर किसी के बाहर दिए गए मन में गुस्सा है, लेकिन इसका पछतावा हमें करना पड़ेगा ये, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि तेल का लीजिए, कि हम लोग तेल का पेमेंट कर चुके हैं विदेशों में, कच्चे तेल जो खरीद रहे हैं, आप सोचिए कि उसका बहिष्कार करें, हम ना खरीदें या जलाएं तेल को, तो किसे हानि होगी? आपके भारत को, आपकी संपत्ति को हानि होगी ना। और याद रखिए, अगर आप सोचिए कि अगर ठीक है चीनी सामानों को बहिष्कार करना है, तो सीधी बात, केंद्र सरकार बंद कर सकती है ना व्यापार, समझ रहे हैं आप लोग? जब आएगा ही नहीं हमारे देश में कोई सामान, तो कौन खरीदेगा? तो कुछ आंकड़े सुनिए आप लोग, फिर उसके बाद आप लोग अपना दिमाग लगाते रहिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपकी सबसे बड़ी तो बात यही है कि टीवी चैनलों को मैंने देखा, अभी कल ही परसों देखा, कोई टीवी चैनल वाला चिल्ला रहा है एंकर कि चीनी सामानों का बहिष्कार कीजिए, और नीचे खुद टीवी की वो साइड है वहां आप प्रचार कर रहा है चीनी सामानों का, चीनी फोन का। तो समझ रहे हैं कि मतलब इसका असर आप ही लोगों पर पड़ेगा, कि आप भावनात्मक रूप से भावना में बहकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, घर का सामान तोड़ रहे हैं, तो इसलिए आप मत खरीद दीजिएगा। मैं भी कहता हूं कि बहिष्कार कीजिए, लेकिन अभी तक जो हमारे पास है उसे रहने दीजिए, आप मत खरीदिए चाइना की कोई भी चीज, ठीक है। स्मार्टफोन जो आप लोग चलाते हैं ना, स्मार्टफोन, इसमें आपने देखा होगा वीपो, आप लोग देखते हैं ओप्पो, इसमें 2 लाख करोड़ रुपए की चीनी कंपनियों का हिस्सा है भारत में। और याद रखिए, टोटल 100% अगर आपके यहाँ जो फोन आ रहे हैं, इसमें से 72 से 75% चीनी कब्जा है। कितना? 72 से 75% चीनी कंपनियों का कब्जा है आपके देश पर। अगर टेलीविजन की हम लोग बात करें, तो इसमें आपके 25,000 करोड़ का स्मार्ट टीवी में चीनी की हिस्सेदारी है, चीन की 45% के लगभग। टेलीकॉम टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करें, तो 12,000 करोड़ चीनी कंपनियों का हिस्सा है, यानी कि 25% चीनी कंपनियों का हिस्सा है। होम अप्लायंसेस का मार्केट तो ये 50,000 करोड़ का है, जिसमें आपकी चीनी कंपनियों का 10 से 12% हिस्सा है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, अभी एक जब से आपका ये लद्दाख की गलवान घाटी में टकराव चल रहा है, तब से आपकी चीनी कंपनियों के बंद करने की, बहिष्कार करने की बात की जा रही है। तो एक CNI रिसर्च के CMD हैं किशोर ओस्तवाल, इनका कहना है कि भारत किसी भी देश का इंपोर्ट या अन्य बिजनेस को बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि एक WTO विश्व व्यापार संगठन नाम का कोई संगठन है, याद रखिए, एक पूरी तरह से नजर रखता है हर देश के व्यापार पर। तो हम पूरी तरह से किसी भी देश से व्यापार खत्म नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, उरी हमला हुआ था, उसके कई दिनों तक
पाकिस्तान से आपका व्यापार चलता रहा, पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया, ठीक है? और WTO के मुकाबले, WTO जो है विश्व व्यापार संगठन, इसके नियमों के मुताबिक किसी देश की सरकार आयात या फिर बिजनेस को बंद नहीं कर सकती है। आप लोग इस पर टैक्स बढ़ा सकते हैं, यानी कि कोई अगर वहां से 10 रुपए की चीज आ रही है तो उस पर 100 टैक्स लगा दीजिए, 100 रुपये आप लोग, वो महंगी हो जाएगी। अगर ऐसा होता कि चीन भारत के व्यापार को रोकेगा, ऐसे में मैग्लोबलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा, हमारा मतलब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि लोग समझ नहीं पाए हैं, उन्होंने कहा है कि देश आत्मनिर्भर बने, उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि बहिष्कार की बात नहीं की उन्होंने, यानी कि उन्होंने प्रधानमंत्री साहब ने अपने के ये नहीं कहा है कि किसी चीजों को तोड़िए फोड़िए, आपने उनके भाषण में कभी ये नहीं सुना होगा। वो उनका महल कहने का मतलब है कि उनकी अपनी चीजों पर आत्मनिर्भर बने। यहाँ कुछ स्मार्टफोन की बात कर चुके हैं, तो ऐसे में आपके पास कोई विकल्प नहीं है कोई दूसरा कि चीन के ब्रांड हर प्राइस सेगमेंट में और R&D में काफी आगे हैं। आपने देखा होगा एप्पल का फोन 40 से 50 हजार रुपये का पड़ेगा, वही 10 से 12 हजार रुपये का चाइना फोन उसके मुकाबले काफी अच्छी तरीके से सभी फीचर्स जो एप्पल के फोन में होंगे वो आपके चाइनीज फोन में मिल जाएगी। तो आप भी समझ रहे हैं कि सस्ता मिलेगा तो कौन रोकेगा। अभी आपने सुना होगा कि जब से बहिष्कार की बात चल रही, इसी के बीच एक नया फोन लॉन्च हुआ है, उसकी बिक्री बराबर चली है, कोई रोक टोक नहीं हुई है भारत में। तो समझ रहे हैं, हर कोई फ्री का लेना, मतलब सस्ता लेना चाहता है। और इसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स देखते हैं आप, भारत में इस सेगमेंट का मार्केट साइज 57 अरब डॉलर का है, जिसमें से चीन की हिस्सेदारी 26% है, समझ रहे हैं आप लोग। और इंटरनेट ऐप देख रहे हैं आप लोग, वीवो इंटरनेट में भारत, जैसे आपने देखा होगा टिकटॉक, हेलो ऐप, इसका भी आप लोग देख रहे होंगे। दवाओं की आप देखिए, कच्चे माल के लिए हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है, तो पूरी तरह से हम बहिष्कार नहीं कर पाएंगे। और आज से आपके अमेरिका ने भी, पहले आपके देखा होगा जापान के सामानों के बहिष्कार की बात की थी, उत्तर कोरिया की भी बात की थी, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ है पूरी तरह से आज तक इस पर। तो इसमें एक ही उपाय है आपके पास कि अभी आपके पास जो भी फोन है ठीक है, आप छोड़िए इन सब को, छोड़िए ठीक है, बहिष्कार कीजिए आप लोग। जो सरदार पटेल साहब की मूर्ति बनाई गई अभी गुजरात में, उसमें पता है आपको तांबा आपका चाइना से लाया गया है और डिजाइन कार चाइना का था, तो क्या आप उस मूर्ति को भी तोड़ दोगे? तो अभी तक आप लोग अपने दिमाग को शांत रखकर सोचिए और अपना इस तरह के बहकावे में मत आइए। अभी आपके पास जो भी है, टेलीफोन है, जो भी सुविधा है उसे बनाए रखिए। आगे से आप चीनी सामान मत खरीदिए, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं खरीदना चाहिए मत खरीदिए, सीधी बात, ठीक है? क्योंकि आपको ही चुकाना पड़ेगा इसका, आपने 10 हजार रुपये खर्च किए हैं, कहाँ से किए हैं, कैसे किए होंगे ये आप खुद जानते होंगे। चलिए इस आर्टिकल को देख लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। बहिष्कार नहीं, बड़ी लकीरें खींचे, हरविजिंदर वरिष्ठ पत्रकार हैं। COVID-19 के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की भूमिका वाला अध्याय अब खत्म हो चुका है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मात्रा यानी कि मांग बहुत उच्च स्तर पर देखी गई थी और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता था इसका, अमेरिका को भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, अपने पड़ोसियों को भी एक्सपोर्ट किया यानी कि दी, लेकिन इस समय उसे याद करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। 2 महीने पहले जब अचानक इस दवा की मांग उठी तो पता चला कि पूरी दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक भारत है आकर। उस समय तक शायद ज्यादातर भारतीय भी इसे नहीं जानते थे। बड़ी मांग का अर्थ था कि भारतीय कंपनियां इसका उत्पादन तेजी से बढ़ाएं। तभी पता लगा कि इस दवा का उत्पादन करने वाली भारतीय कंपनियां कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर हैं। समझ में आया या क्या बोला जा रहा है कि जिस दवा की आप लोग मांग की जा रही थी उसका कच्चा माल हमें चीन पर निर्भर है हम लोग, अगर चीन से हम लोग कच्चा माल खरीदना बंद कर देते हैं तो उस दवा को हमारे लिए उत्पादन करना संभव नहीं होगा, ठीक है? यह अकेला प्रकरण हमें कई चीजें बताता है। फिलहाल यह हम ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के उस
उद्भूत अपूर्ण स्वप्न की बात नहीं करेंगे जो यह कहता रहा है कि कारोबार के मामले में पूरी दुनिया एक है। असली चीज है बाजार और इसमें मेरा तेरा उसकी उसका की बात नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बाजार में भारत की बदसाहत करीब 2.5 दशक पुरानी उस नीति से उपजी थी जिसमें यह तय किया गया था कि भारत को अब गैर पेटेंट दवाओं के कारोबार का बड़ा खिलाड़ी बनना है। कुछ ही समय में हम बल्क ड्रग के कारोबार के सबसे बड़े खिलाड़ी बन भी गए। इस कामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण हम ईरान में देख सकते हैं। दशकों से चली आ रही है अमेरिकी पाबंदियों के दौरान ईरान की सबसे बड़ी समस्या दवाओं को लेकर है। भारत से निर्यात होने वाली दवाओं ने ना सिर्फ उसकी इस जरूरत को पूरा किया है बल्कि इस दौरान वहां लाखों लोगों की जान भी बचाई गई है। बल्क ड्रग कारोबार में कामयाबी दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तो दवाओं की गुणवत्ता और इसी के साथ स्पर्धा वाले बाजार में उनकी कम कीमत। गुणवत्ता के मामले में भी भारतीय कंपनियों ने महारत हासिल कर ली है लेकिन कीमत कम रखने के लिए सस्ता कच्चा माल चीन में ही आसान विकल्प था, इसलिए यह कारोबार कई मामलों में चीन पर निर्भर होता है। अभी आपने सुना होगा कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी कहा है कि हम चीन से आने वाले सामान को रोक देंगे, लेकिन अभी अगर आपको गाड़ी 10 से 12 लाख की मिलती थी वही तो आपको 12 से 15 से 16 लाख की पड़ेगी, यानी कि 3 से 4 लाख आपका बढ़ जाएगा उस पर खर्च। और यही बात आपने देखा होगा कि अधिकतर कंपनियां चाइना का रुख क्यों करती थी, इसलिए क्योंकि वहां कच्चा माल उपलब्ध आसानी से था और लेबर उपलब्ध थी आसानी से। और आप सोच सकते हैं कि अगर हम लोग चाइना की कंपनियों को सबको बंद कर देते हैं एक तरह से तो हमें उतना सस्ता फोन नहीं मिलेगा। और आप सोचिए कि हमारे यहाँ जब 10 रुपये 20 रुपये किलो 50 रुपये किलो आलू टमाटर हो जाते हैं तो हमारी जान निकल जाती है। हर परिवार इतना सक्षम नहीं है कि हम लोग 50-60 हज़ार का एप्पल का फोन चला सकें। ठीक है, आज अगर सबके पास स्मार्टफोन है तो यही है कारण कि चीन सस्ता सप्लाईयर था, सप्लाई कर रहा था हमारे लिए। ठीक है, आगे से आप मत खरीदिए चाइना को, मैं भी बोल रहा हूं कि बहिष्कार करना चाहिए, मैं खुद नहीं चलाता हूं चाइना का फोन, लेकिन अभी मत। मैं सोचूं कि मेरे पास कोई एलसीडी है मैं उसे तोड़ दूं तो उसका भुगतान मुझे ही करना पड़ेगा। देखिए तो हो सकता है भावनाओं में आकर हम तोड़ दें ऐसा, लेकिन आपको खुद भुगतना पड़ेगा। अभी स्थिति आप देख रहे होंगे, अपने परिवार की स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आपने 10 हज़ार का 15 हज़ार का फोन कैसे खरीदा, टेलीविजन कैसी खरीदी, लैपटॉप टैबलेट कैसे खरीदा है आपने, किस तरह से लेते हैं आप लोग, आप ही जानते हैं। तो भावना में मत बहिएगा अभी। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कामयाबी की हमारी इस कोशिश में चीन ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगर इसी को अलग तरह से देखें तो चीन आज जिस तरह से आर्थिक ताकत बना है उसने अपने सपनों के लिए चीन पर हमारी निर्भरता की भी एक भूमिका है। पिछले 3 दशक में दुनिया के तमाम विकसित और विकासशील देशों को इस तरह की निर्भरताएं देता हुआ चीन लगातार आगे बढ़ता गया, पर क्या अब उसके उत्पादों उसकी कंपनियों के बहिष्कार से चक्र के को उल्टा घुमाया जा सकता है। एक बात आप लोग हमेशा देख रहे होंगे, 2014 में जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब सरकार में आए तब उनकी मुलाकात हुई चीनी राष्ट्रपति से, आपने देखा होगा उन्होंने बयान दिया कि हम दोनों मिलकर ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर के बोलते रहे कि वो हमारे गांव की चर्चा कर रहे थे फिर हमने उनके गांव की, इस तरह के नहीं आपने सुने होंगे बयान आ गए। फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सरदार पटेल साहब की मूर्ति के लिए चीनी कंपनियों को वो दिया था, टेंडर दिया हुआ था कुछ सामान बनाने के लिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो पूरी तरह से व्यापार को बंद करना मुश्किल है किसी भी हद तक। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि आपके नेपाल से संबंध खराब हो चुके हैं, चाइना में आपके विरोधी सरकार बैठी हुई है, चाइना की पक्षधर बैठी हुई है श्रीलंका में। ठीक है, और दूसरी फिर बात लीजिए आप लोग कहाँ की, पाकिस्तान आपके खिलाफ है हमेशा, नेपाल आपके खिलाफ हो चुका है और चीन ने अपना मार्केट बना लिया है। आप ईरान देखिए, अफगानिस्तान देखिए, नेपाल देखिए, पाकिस्तान देखिए, अरब देश देखिए, चीन ने काफी हद तक अपना मार्केट बना के रखा हुआ है। तो अगर आप उसकी बाइकॉट भी करते हैं यानी कि बहिष्कार भी होते हैं एक तरह से, आपका अगर पूरी तरह से व्यापार भी बंद कर दिया जाता तो उस पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, क्योंकि मतलब अपनी रोजी रोटी चलती रहेगी उसकी।
यह सवाल इस समय इसलिए जरूरी है कि पूरा सोशल मीडिया चीन और उसके उत्पादों के बहिष्कार की अपीलों से पटा पड़ा है। यह सिलसिला कोरोना संकट के पैदा होने के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन सीमा पर उसकी आक्रामकता से ने इसे बढ़ा दिया। और पिछले मंगलवार को जब यह खबर आई कि लद्दाख के गलवान क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की टुकड़ी पर हमला बोलकर 20 जवानों की जान ले ली, तब यह शोर सातवें आसमान पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पर ऐसा वाल जल्दी बेहूदी की हद तक पहुंच जाता है। हैशटैग बायकॉट चाइना के तहत पहले चीन में बने फोन और टीवी तोड़ने के वीडियो शेयर किए गए। फिर एक संदेश यह भी आया कि गुजरात में नर्मदा नदी तट पर बनी सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा को हटा लेना चाहिए, क्योंकि इसका निर्माण एक चीनी कंपनी ने किया है। अब ये संभव है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मत कीजिए, मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल चाइना के सामानों का बहिष्कार मत कीजिए। अगर आपकी सरकार ठीक है, हमारी सरकार बैठी हुई है, सीधी बात, मार्केट पूरा बंद कर दिया जाए तो हमारा आयात नहीं होगा, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी बहिष्कार करने की? और अगर ऐसा है तो सरदार पटेल की मूर्ति को तोड़ देना चाहिए, उसका भी बहिष्कार कर देना चाहिए, समझ रहे हैं? तो अभी आपके पास जो उपलब्ध है उसका बहिष्कार मत कीजिए, क्योंकि इसका हर्जाना आपको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है? एक बात हमेशा याद रखिए। और नहीं करना है व्यापार, नहीं करना है, सीधी बात, व्यापार बंद कर दीजिए। मैं कहता हूं मेरे हिसाब से इस व्यापार को चलते रहने देना चाहिए था और अभी भी चलता रहना चाहिए। हमें घेरना चाहिए चाइना को लद्दाख वाले हिस्से पर, और पीओके वाले हिस्से को हमें अपने कब्जे में लेना चाहिए। वहां जो भी चाइना की परियोजनाएं चल रही हैं रुक जाएंगी। तिब्बत पर हमें टांग अड़ानी चाहिए, हमें ताइवान पर साथ देने चाहिए, हांगकांग पर भी हमें बोलना चाहिए, यानी कि चीन को चारों तरफ से घेरना चाहिए। दक्षिण चीन सागर में भी हमें खुलकर विद्रोह करना चाहिए। लेकिन आप सोचें, व्यापार खत्म करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है, चाइना पर अंकुश लगाया जाता है? मुमकिन नहीं है, ठीक है? आप इतने भी सक्षम नहीं है कि हम लोग चाइना से व्यापार पूरी तरह से एक बार में खत्म करते हैं, ठीक है? आप सोच रहे होंगे 1905 की बात अगर सोच रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन जब चला, तो उस समय हम किसी भी देश पर इतना निर्भर नहीं थे कि हम अमेरिका पर निर्भर हों या फिर ब्रिटेन पर निर्भर हों। उस समय हम इतने सक्षम थे कि अपनी खादी और कपड़ा, जो भी अपने घर का सामान था, उससे काम चला रहे थे। इस समय हम उस 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं जहां हमें मोबाइल के बिना हम नहीं रह सकते हैं, सोशल मीडिया के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे, ठीक है, जो सामान आपके पास है वो छोड़िए, टिकटॉक अभी भी यूज हो रहा है भारत में, हेलो ऐप अभी भी यूज हो रहा है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर अभी भी लोग उसे यूज कर रहे हैं। तो जब आपसे ऐप नहीं हटाया जाता है तो आप कैसे बायकॉट कर पाएंगे? भावनाओं की ठीक है बात, आज हमारे सैनिक शहीद हुए तो हमें गुस्सा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपकी गुस्सा ये कुछ दिनों तक टिक पाएगी, अपने आप ठंडी हो जाती। मुझे भारत में देखने को एक शब्द ज्यादा मिला है कि जब कोई घटना घटती है उस समय हमारा गुस्सा सातवें आसमान पर होता है, और वो गुस्सा दो तीन दिन बाद खत्म हो जाता है। कोई भी काम कर रहे होते हम बड़े जुनून के साथ करते हैं, लेकिन वो दो तीन दिन के बाद जुनून ठंडा पड़ जाता है। हर क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कोई भी क्षेत्र हो। तो समझ में आया आपका, सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा बनी हुई है जिसकी आपकी सरकार दुहाई देती रहती है, चिल्लाती रहती है, एक चीनी कंपनी ने बनाई हुई है, ठीक। मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए भारत सरकार ने अपने आप को ऐसे ही किसी उबाल से दूर रखा है। एकाध केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने ऐसे सुर मिलाने की कोशिश जरूर की। इस बीच कुछ चीनी कंपनियों के ठेके जरूर रद्द हुए, जिसे सरकार की मंशा के रूप में भी पेश किया जा रहा है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब चीन के उत्पादों के बहिष्कार पर उबाल देखा हो, या डोकलाम विवाद के समय भी हुआ था, और यह तब भी हुआ जब मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का साथ दिया था। इसके बावजूद भारतीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी बढ़ती रही है। अभी आपकी देखिए मोबाइल के आप लोग एंड बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कंपनी चाइनीज कंपनी के फोन सबसे ज्यादा खरीदे जा रहे हैं आपके मार्केट में। जो भी नया फोन लॉन्च हो रहा है सबसे ज्यादा बुकिंग आपके ही देश में देखने को मिल रही है। क्या इस बार बहिष्कार की यह मुहिम चीन की अकल ठिकाने लगाने में कामयाब हो सकेगी? क्या सीमा पर चीन की हिमायत
हिमाकत का? यही सही जवाब है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बहिष्कार का रास्ता भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था आर्थिक ताकत बनाने की ओर ले जाएगा? यह तीसरा सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहिष्कार के तर्कों में अक्सर सारा जोर इसी बात पर होता है आपका। कोई भी देश बड़ी आर्थिक ताकत कैसे बनता है, इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चीन का उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। चीन पूरे माओवेव में बहिष्कार वाला देश था। लंबे समय तक उसने पश्चिमी उत्पादों का बहिष्कार किया। वह ताकत तो था लेकिन आर्थिक ताकत नहीं। आर्थिक ताकत वह बहिष्कार के युग से बाहर निकलने के बाद ही बना। इससे अच्छा उदाहरण जापान का है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि जापान के अहम और गौरव को भी भारी ठेस पहुंचाई थी। बाद में जब आर्थिक तरक्की का युग शुरू हुआ तो जापान ने कभी अमेरिका के बहिष्कार की बात नहीं की, लेकिन बाजार के खेल में उसने अमेरिका को मात दे दी। तो तरक्की का रास्ता बहिष्कार से नहीं, ज्यादा बड़ी लकीर खींचने से निकलता है। बहिष्कार करके आप खुद को ही उस रेस से बाहर कर लेते हैं जिसे दरअसल आप जीतना चाहते हैं। यहां सीधे सा एक उदाहरण ले लीजिए। आप दो लोग हैं और आप किसी का मुकाबला करना चाहते हैं, दोनों अपने आप में मुकाबला करना चाहते हैं दौड़ का, ठीक है, रेसिंग का। अब आप कह दें कि हम उसके साथ नहीं दौड़ेंगे, उसे हटा देंगे, तो फिर आप कैसी किसके साथ दौड़ेंगे? क्या आप पाकिस्तान के साथ दौड़ लगाएंगे? क्या नेपाल के साथ दौड़ लगाएंगे? मुझे यही तो सबसे बुरा लगता है जब हमारे देश में बराबरी की जाती है पाकिस्तान की, नेपाल की, श्रीलंका की। भाई ये बहुत छोटे देश हैं, हमें विकसित देशों से बराबरी करनी चाहिए। अब आप अपने बेटे की तुलना उससे करने लग जाइए जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, जो बिल्कुल कमजोर हो, जिसकी परिवार की हालत बिल्कुल कमजोर हो, तो ये तो आपकी गलती है ना। आपको अगर अपने बेटे की तुलना ही करनी है तो उस बेटे से करिए जो होशियार हो, जो आगे हो आपसे, ठीक है। बराबरी हम अपने छोटे वालों से नहीं कर सकते। अगर बराबरी या तुम्हें प्रतिस्पर्धा करनी है तो आपसे आगे वाले से करनी होगी, उसे लेकर साथ में चलना होगा आपको। एक उदाहरण वालमार्ट का है। वालमार्ट भारत में ना आए इसके लिए कई राजनीतिक दलों ने जी जान लगा दी थी, हालांकि पिछले दरवाजे से वह चली आई। चीन में ऐसा नहीं हुआ। वालमार्ट बिना किसी विरोध के चीन में आई। उसने सैकड़ों स्टोर खोलकर वहां छाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही चीन की कुछ कंपनियों ने ज्यादा बड़ी लकीर खींच दी। इस समय चीन के संगठित रिटेल बाजार में वॉलमार्ट 5वें नंबर की कंपनी है। चीन की अलीबाबा दुनिया के रिटेल बाजार की नंबर एक कंपनी बन चुकी है। फिलहाल हमारे सामने दो रास्ते खुले हैं, चीन के उत्पादों का बहिष्कार या फिर उससे बड़ी लकीर। मैं यही कहूंगा कि उससे बड़ी लकीर बनने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि बहिष्कार पूरी तरह से सक्सेस नहीं होगा। ये आप आज से 1 साल बाद शायद जब ठंडा पड़ जाए सब, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक भावनात्मक रूप से होता है, हमें भी गुस्सा है, आपको भी गुस्सा है, क्योंकि हमारे सैनिकों को मारा है उन्होंने, तो हमें अभी सबको गुस्सा आ रहा है। लेकिन आप एक बार बैठ कर सोच सकते हैं कि आप लोग पूरी तरह से चीन से व्यापार खत्म नहीं कर सकते हैं। और आप सोचिए कि 80% तक आपके कब्जा है आपके देश पर उसका व्यापार का, तो आप एक समय में किस तरह से खत्म कर सकते हैं? इसमें आपको भी हानि होगी, इसमें दो राय नहीं है कि आपको हानि ना हो। एकाएक व्यापार अगर रोक देने से हमें भी नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। इसका हमें विकल्प पहले देखना चाहिए, उसके बाद कम करना चाहिए चीन से, चीन पर जो निर्भरता है हमारी उसे कम करना चाहिए, इसके बाद ही हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर रोकना है तो पूरी तरह से व्यापार खत्म कर दीजिए, भारत सरकार पूरी तरह से खत्म कर दे, उसके बाद सामान आएगा ही नहीं हमारे देश में, तो हम खरीदेंगे कैसे, ठीक है। एक बात हमेशा और याद रखिए, आप जो लोग पेटीएम यूज करते हैं इसमें चीन की हिस्सेदारी है, चीनी कंपनियों की, तो पेटीएम भी बंद कर दीजिए। कोई भी काम आप तभी सक्सेस हो सकते हैं जब आप पूरी तरह से निर्भर हो अपने आप पर। आप सोचिए कि आप सोचें कि हम सब्जी किसी से नहीं खरीदेंगे, हम आटा किसी से नहीं खरीदेंगे, तो फिर खरीदेंगे क्या? या तो आपकी पूरी निर्भरता आपके पास होनी चाहिए कि आपके यहाँ इतनी सुविधा कि आप अपने आप पर निर्भर हो।
और जब आप पड़ोसी पर निर्भर होंगे तो उससे पूरी तरह से व्यापार यानी कि पूरी तरह से रिश्ता आप लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आप समझते हैं कि 21वीं सदी चाइना और मतलब एशिया की सदी कहा जाता है, और इसमें दो ही देश हैं आपकी, चाइना और भारत। तो अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 21वीं सदी आपकी एशिया की सदी होगी। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि अभी हमारे रिश्ते जितने नीचे से नीचे जा सकते थे, फिर चाहे आपके नेपाल से हो, भारत से हो, पाकिस्तान से हो, सबसे नीचे जा रहे हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है। ऐसी संकट की घड़ी में बहुत बुरा समय चल रहा है सभी देशों के लिए। चलिए, तो ये सामान की बहिष्कार जो भी आपको अच्छा लगे आप करिए, बस मैं बता रहा हूं कि पूरी तरह से आप नहीं कर सकते हैं। और शायद आप नेताओं के भाषणों में समझ में आ रहा होगा, नेता अपने घर में जो सामान है उसे तोड़ देना, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि सब फोन चला रहे हैं, सब गाड़ियां चला रहे हैं, VIP, उन्हें भी आग लगा दें नेता। हम नॉर्मल आदमी हैं, हमें 10,000 का अगर फोन खरीदना पड़ता है तो 10 बार सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आप जो सामान आपके पास है उसे सलामत रखिए, और आपसे आप चाइना का सामान मत खरीदिएगा, ठीक है। मालूम चला कि आपके घर में जो सामान है उसे जला दिया, और आज से 10 दिन बाद 15 दिन बाद सब ठंडा पड़ा तो हमें पछताना पड़ा। ऐसा कोई काम जिंदगी में मत करिए जिसके बाद आपको पछताना पड़े जिंदगी भर, ठीक है।